Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice series. जो हमारी agriculture optional answer writing practice series चल रही है उसके next question को आज हम लोग करने वाले हैं. And today's question is, explain the method of recurrent selection. Okay, write the importance of combining ability in crop improvement. So this question has been asked previously in several times. काफी बार recurrent selection से question आ चुका है, रिकरेंट सिलेक्शन के टाइप से क्वेश्चन आ चुका है, रिकरेंट सिलेक्शन इसके टाइप्स से क्वेश्चन आ गया, डिफरेंस बिटवीन देम टाइप्स इसके टाइप्स के बीच डिफरेंस से क्वेश्चन आ चुका है, उसके बाद आपके इसके मेरिट्स डिमेरिट्स डिमेरिट्स उसका क्रॉप इंप्रूवमेंट में क्या क्या इसका रोल है, तो इन सारी चीजों से क्वेश्चन प्रीवियसली आ चुका है रिकरेंट सिलेक्शन से, तो ये सारी चीजें आपकी कवर्ड होनी चाहिए. एंड टुडे हमें देखना है इसका कंबाइनिंग एबिलिटी का क्या इंपॉर्टेंस है क्रॉप इंप्रूवमेंट में, और रिकरेंट सिलेक्शन को थोड़ा एक्सप्लेन करना है. एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन आईएफओएस एग्जामिनेशन. हालांकि सीएसई में भी रिकरेंट सिलेक्शन से काफी बार क्वेश्चन आ चुका है, बट ये पर्टिकुलर क्वेश्चन इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022 में आया हुआ है, एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर. सो लेट्स सी हाउ वी कैन अप्रोच दिस आंसर. तो सबसे पहले क्या होता है रिकरेंट सिलेक्शन. तो रिकरेंट सिलेक्शन का जो टर्म आप देख रहे हो रिकरेंट सिलेक्शन, इट वाज कॉइंड बाय हल इन 1945 और इन्होंने रिकरेंट सिलेक्शन को डिफाइन किया था दैट इट इज ए रीसेलेक्ट. इन्होंने रिकरेंट सिलेक्शन को डिफाइन किया था लाइक दिस. डिफाइंड रिकरेंट सिलेक्शन एज रीसेलेक्शन जनरेशन आफ्टर जनरेशन विथ interbreeding of selects to provide for genetic recombination So, ये हो गया पर definition हो गया recurrent selection का that reselection generation after generation, that is हमें बार बार एक generation से next generation उसके next generation में बार बार reselection करते रहना with inbreeding of selects. जो भी हमारे selects हैं उसको हमने select किया है for जिसमें हमें चाहते हैं कि कुछ traits आए या फिर जो भी quality improvement हो, तो उन selects को हम लोग क्या करते हैं generation after generation जो है उसका reselection करते हैं, inbreeding कराते हैं, ठीक है, सॉरी इंटरब्रीडिंग कराते हैं सेलेक्ट्स का. जैसे चार सेलेक्ट्स को है, मान के चलो इसमें कुछ कैरेक्टर है और इसमें हमें डालना है, तो इनको इन दोनों को इंटरब्रीडिंग कराते हैं टू प्रोवाइड फॉर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ताकि जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हमको चाहिए, जिस तरह के जीन्स हमको चाहिए वो हमको मिल जाए. क्या होगा, तो इसमें मान के चलो ए बी सी जीन है और इसमें एक्स वाई जेड जीन है, और हमें जो जीन चाहिए दैट इज ए बी जेड फॉर एग्जाम्पल, तो इन दोनों को ब्रीडिंग कराते रहेंगे तो हमें क्या होगा एट कुछ टाइम के बाद ए बी जेड जीन मिल जाए. इसीलिए जब हम लोग जनरेशन आफ्टर जनरेशन इनके बीच जो है इंटरब्रीडिंग कराते रहे तो हमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो जैसा रिकॉम्बिनेशन चाहिए जीन्स का वो मिल जाएगा. सो दिस इज व्हाट रिकरेंट सिलेक्शन इज. अब देखो तो रिकरेंट सिलेक्शन के तीन टाइप्स होते हैं जिससे काफी क्वेश्चन होता है. हालांकि आप चाहो तो आंसर में ज्यादा उसके बारे में नहीं लिखना, बस टाइप्स लिख करके आप हाईलाइट कर सकते हो कि दीज आर द टाइप्स ऑफ रिकरेंट सिलेक्शन. इसके टाइप्स क्या क्या है वो देख लेते हैं. तो जनरली इट इज ऑफ थ्री टाइप्स. फर्स्ट वन इज सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन, सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन. सेकेंड वन इज रिकरेंट सिलेक्शन ऑफ फॉर जीसीए, दैट इज यहाँ जीसीए क्या हुआ जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी, जो यहाँ कंबाइनिंग एबिलिटी पूछा गया, देखो ये चीज, तो रिकरेंट सिलेक्शन फॉर जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी. एंड थर्ड वन इज रिकरेंट सिलेक्शन फॉर एससीए, दैट इज रिकरेंट सिलेक्शन फॉर स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी. ठीक है, रिकरेंट सिलेक्शन फॉर स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी, दोनों के बीच के डिफरेंस को आपको ध्यान रखना है
बट ओवरऑल मैंने टाइप्स बता दिया, बाकी जब भी आप नोट्स वगैरह बनाओ तो इन सारे चीजों को कवर करो, क्योंकि जरूरी नहीं है क्वेश्चन हमारे रिकरेंट सिलेक्शन से पूछो, डायरेक्टली इन दोनों के डिफरेंस को भी पूछ सकते हैं, इन दोनों से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यू शुड बी नोइंग दैट। सो दिस वॉज अबाउट रिकरेंट सिलेक्शन, इसके ऊपर आप स्ट्रक्चर करके रिकरेंट सिलेक्शन के बारे में कुछ लिख सकते हो, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंबाइनिंग एबिलिटी इन क्रॉप इंप्रूवमेंट। तो क्या क्या इंपॉर्टेंस है कंबाइनिंग एबिलिटी क्रॉप इंप्रूवमेंट में, वो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेट एक्सप्रेशन, जो भी ट्रेट्स के लिए हम लोग इसमें ब्रीडिंग करा रहे हैं, जो भी चीजें, फॉर एग्जाम्पल कुछ ट्रेट्स हैं स्ट्रेस टोलरेंस, या फिर कुछ क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं। तो क्या होता है जब भी कंबाइनिंग एबिलिटी जब हाई होती है, व्हेन देयर इज हाई कंबाइनिंग एबिलिटी, तो ऑफ स्प्रिंग्स में ट्रेट्स काफी अच्छे से एक्सप्रेस होते हैं। दीज ट्रेट्स, जब भी कंबाइनिंग एबिलिटी हमारा हाई होगा तो will be properly expressed in offsprings. So this is the first importance. Secondly, the genetic diversity. अब इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग diverse parents को लेकर के हम लोग ये करा सकते हैं, interbreeding करा सकते हैं। तो जब भी genetic diversity का हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो उससे हमारा क्या होगा, we will get, जब भी जेनेटिक डाइवर्स पेरेंट्स का इस्तेमाल करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा हाई कंबाइनिंग एबिलिटी मिलता है, ठीक है। सो जब भी अगर हमारा हाई कंबाइनिंग एबिलिटी है तो उससे क्या हो रहा है कि जीन हमारा ऑब्वियसली डाइवर्स हो गया, जीन विल बी डाइवर्स। तो यू कैन सी हियर कि जब भी डाइवर्स जीन रहेगा तो इट विल बी मोर एडेप्टेबल, वो ज्यादा एडेप्टेबल रहेगा, उसकी एडेप्टेबिलिटी अधिक रहेगी, बिकॉज इट हैज डाइवर्स जीन्स। और जब भी कंबाइनिंग एबिलिटी हाई होता है तो जीन विल बी डाइवर्स। सो दिस इज नंबर वन। सेकेंडली, इट हैज वन ऑफ द कंबाइनिंग एबिलिटी का एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है टू स्टडी हेटरोसिस, ठीक है, हेटरोसिस पे काम करना, ये इसका एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। अब हेटरोसिस क्या है, वी ऑल नो, इसमें क्या ऑफस्प्रिंग आउट परफॉर्म्स बोथ ऑफ इट्स पेरेंट्स, ऑफस्प्रिंग्स आउट परफॉर्म बोथ ऑफ इट्स पेरेंट्स, दिस इज नोन एज हेटरोसिस। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिड विगर भी बोलते हैं। एंड कंबाइनिंग एबिलिटी तो जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है टू नो अबाउट दिस हेटरोसिस, किस तरह से वो हाइब्रिड विगर में अपना रोल कर सकते हैं, किस तरह से इस हाइब्रिड विगर को और डाइवर्स बना सकते हैं। तो हियर कंबाइनिंग एबिलिटी हैज आल्सो ए वेरी ग्रेट रोल। सेकेंडली, इफिशियंसी इन ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, क्या होता है कि जब कंबाइनिंग एबिलिटी को ब्रीडर अच्छे से अंडरस्टैंड करता है, इफ द ब्रीडर नोज और अंडरस्टैंड द कंबाइनिंग एबिलिटी प्रॉपरली, तो उसके बाद वो स्पेसिफिक ट्रेट्स पे काम करके काफी अच्छे से हाइब्रिड वेराइटीज को बना सकता है। सो ब्रीडर्स के लिए, if they know the combining ability properly, so they will able to produce very good hybrid vigor, because they can work on specific traits, ठीक है। तो breeder का knowledge अगर combining ability में दिखे तो it has great advantage in producing these hybrid vigors. Efficiency in breeding programs को भी improve करता है, stability in performance, जैसे हम लोग ये discuss किया कि अगर high combining ability है so we will have high genetic diversity also. जब भी ये high genetic diversity होता है तो there is always stability in the performance of the traits. जो भी traits हमने ये किया है उसको perform होगा, different environments में ये लोग adapt कर पाएंगे, adapt to different environments. So this is how combining ability can also enhance the stability of the performance of traits. क्वालिटी इंप्रूवमेंट में कंबाइनिंग एबिलिटी काफी रोल प्ले करता है, ठीक है। कंबाइनिंग एबिलिटी कैन इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द वैरायटीज, सच्चे अगर कुछ क्वालिटीज की बात की, जैसे मान के चलो हमें न्यूट्रिशनल कंटेंट इंक्रीज करना है, और यू कैन से कि हमें कुछ भी आप क्वालिटीज ले लो कि टेस्ट को इम्प्रूव करना है, साइज टेक्सचर कुछ भी क्वालिटी पे, तो कंबाइनिंग एबिलिटी के हेल्प से हम लोग ये सारी चीजें कर सकते हैं। रिजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी,
आप सब जानते हैं कि एग्रीकल्चर इज गोइंग टू इज फेसिंग एंड इन द फ्यूचर इज गोइंग टू फेस द एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। अभी भी हम लोग फेस कर रहे हैं और फ्यूचर में ये बढ़ेगा। तो ये जब भी ये क्लाइमेट चेंज वगैरह हो रहा है तो अगर हम लोग इस सिचुएशंस में कंबाइनिंग एबिलिटी को इंक्रीज करके अच्छे से ब्रीड वगैरह कराए तो जो हमारे नए वैरायटीज आएंगे दे विल बी मोर एडेप्टेबल, उनकी एडेप्टेबिलिटी अधिक रहेगी, वो सस्टेनेबल रहेंगे, उनकी एडेप्टेबिलिटी अधिक रहेगी, वो रिजिलियंस रहेंगे, और इससे क्या होगा कि वो लोग डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में भी क्लाइमेट चेंज में भी सस्टेनेबली प्रोडक्शन करते रहेंगे। ठीक है, सो इट विल ऑल्सो इनहेंस द रिजिलियंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ द वैरायटीज। So these are the some of the importance of combining ability. So I hope you are able to understand these points. सारे points आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। So we have discussed recurrent selection in detail and we have also discussed the importance of combining ability. So that was all for today. Please do like. Please do share. And please do subscribe. It takes a lot of hard work to make such videos for you on regular basis. Regular basis पे से videos को बनाने के लिए काफी hard work लगता है। और अगर आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो तो काफी मोटिवेशन मिलता है हमें कि हम और वैसे वीडियोज रेगुलरली आप सबके लिए बना पाए। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।